हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के सैंपल पेपर 4 के बारे में। ठीक इसके पहले हमने और भी बहुत सारे सैंपल पेपर, यानी सैंपल पेपर 1, 2 और 3, ये तीनों कर लिया है और ये हमारे सीयूईटी के सीएस का सैंपल पेपर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 200 है और हमारे पास दो सेक्शंस होंगे। एक होगा सेक्शन ए और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए होगा सेक्शन B1 और आईबी के स्टूडेंट्स के लिए होगा सेक्शन B2। तो हम फिलहाल जो ये सेक्शन ए है, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो सीएस का स्टूडेंट हो चाहे वो आईबी का स्टूडेंट हो, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। और जो हमारा ये B1 सेक्शन है वो है सीएस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, यानी कि सीएस के स्टूडेंट्स को B1 करना है और आईबी के स्टूडेंट्स को क्या करना है, B2 वाला सेक्शन करना है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। तो हम सीएस को कवर करने वाले हैं, यानी हम सेक्शन ए को और सेक्शन B1 को कवर करेंगे। आईपी के लिए स्टूडेंट्स के लिए शायद मैं बाद में बनाऊं अगर डिमांड आती है। तो बेसिकली सीएस के स्टूडेंट्स की काफी डिमांड थी, इसलिए टोटल 5 सैंपल पेपर्स करने हैं। तो चौथा ये है, ऑलरेडी सैंपल पेपर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सैंपल पेपर 4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन सेक्शन ए में हम आते हैं और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ क्या कहता है कि विच ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट ब्लॉक ऑफ कोड्स फॉर एरर, यानी किस ब्लॉक में आप ब्लॉक ऑफ एरर्स वाले कोड को, यानी वो कोड को जिसमें एरर्स आ सकते हैं वो रख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो आंसर आपका होगा ट्राई ब्लॉक। अब एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, तो इसमें हम जो एरर्स आते हैं उस एरर्स को संभालने के लिए, जो एक्सेप्शन आते हैं उन एक्सेप्शंस को संभालने के लिए, हैंडल करने के लिए जो कोड लिखना होता है वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। और फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो ना ही, मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है कि ट्राई में कोई एक्सेप्शन आया या नहीं आया। देखिए, ट्राई में एक्सेप्शन आएगा तो ही एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होते ही रहेगा। राइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ट्राई में आते हैं और ट्राई में क्या करता है, प्रिंट कर देता है किसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को। भैया एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ट्राई में एरर आता है तो कहाँ जाता है, एक्सेप्ट में जाता है, आपको क्या मैसेज देगा, एंड एक्सेप्शन अकर्ड। सो यू विल गेट अ मैसेज, एंड एक्सेप्शन अकर्ड। सो आंसर इज व्हाट, बी, एंड एक्सेप्शन अकर्ड। आगे आते हैं थर्ड में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स इक्वल टू हेलो, या कहता है इफ नॉट टाइप ऑफ एक्स। देखो टाइप ऑफ एक्स क्या है, तो टाइप ऑफ एक्स ये क्या है, स्ट्रिंग है, str, str इज इंट। तो str क्या इंटीजर है, नहीं नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, अब ये फॉल्स जो है वो नॉट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। तो फॉल्स को ये ट्रू कर देता है नॉट, और ट्रू को फॉल्स कर देता है, ये आप जानते हैं। तो क्या होगा, इफ ट्रू, क्योंकि इसको जब इवेल्युएट किया हमने तो ये आया फॉल्स, लेकिन जब ये नॉट के साथ लग गया तो ये हो गया ट्रू। तो ये इफ ट्रू, हाँ जी ट्रू है, तो क्या कर देगा, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड प्रिंट कर देगा। ये क्या होता है, रेज, ये इफ, ये इंडेंटेशन थोड़ा अंदर जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बट रेज का मतलब होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। रेज का हम किस लिए यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो है जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम एक टाइप एरर लगा रहे हैं, ठीक है, नाम दे रहे हैं और उसमें हम मैसेज दे रहे हैं क्या, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। तो आपको मैसेज क्या देगा, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। याद रखिएगा, ट्राई के अंदर ये दोनों इंडेंटेशन अंदर रहेंगे, एक्सेप्शन में ये दोनों इंडेंटेशन अंदर रहेंगे और एफ डॉट क्लोज ये इंडेंटेशन अंदर रहेगा। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है बुक की। ठीक है, हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट txt, चलिए ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने कोई मोड नहीं दिया, तो बाई डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, मैंने बताया था आपको, बाई डिफॉल्ट रीड मोड होता है। आप कहते हैं एफ डॉट राइट, भैया यहाँ पे आ जाएगा एरर, क्यों आ जाएगा, वाई एरर आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भैया आप राइट कैसे कर सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट मोड रीड होता है। तो जब आपने बोला है कि ये फाइल हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो जब आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया तो आप उसमें कोई भी राइटिंग का वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही एरर आया सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा, क्या मैसेज देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वेन राइटिंग टू द फाइल, और ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो फाइल क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, इंटरनली फाइल क्लोज हो जाएगा, लेकिन एक मैसेज आपके स्क्रीन पर प्रिंट के माध्यम से आएगा, वो आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल। तो क्या होगा आपको यहाँ पे, यस, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल राइटिंग टू द फाइल। ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एक्सेप्शन रेज्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमेरिक टाइप। यानी कि कौन सा एक्सेप्शन जो है वो रेज होता है जब क्या होता है,
मैक्सिमम लिमिट जो होता है नंबर टाइप के लिए क्या होता है, वो एक्सीड कर जाता है। तो खुद से ही देखिए, अगर आपको नहीं भी पता था इसका जवाब, तो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब दिमाग लगाएंगे तो आपको अपने आप इन सब में से आंसर पता चल जाएगा। जब लिमिट एक्सीड कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, और जब ओवरफ्लो होता है तो ऑब्वियसली बात है कौन सा एरर आएगा, ओवरफ्लो एरर आएगा, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड, DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड कौन सा है, तो क्रिएट नहीं, ये DDL कमांड है, ये भी DDL कमांड है, ये DML कमांड है, बिल्कुल डिलीट डेटा को हम कर रहे हैं, ये क्या है, DML कमांड है, ये तो ऑप्शन फिर होगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पर, इन अ रिलेशनल डेटाबेस एवरी ट्यूपल डिवाइडेड इनटू द फील्ड आर नोन एज डैश, यानी कि हर एक ट्यूपल जो है वो क्या होता है, फील्ड्स में डिवाइडेड होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए बेसिकली क्वेरीज नहीं कहते हैं, रिलेशंस नहीं कहते हैं, जब क्वेरीज और रिलेशंस नहीं कहेंगे तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, सो आंसर डोमेन्स होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये चीज देख लें कि कौन सा नहीं होगा तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रियल आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, TCL का फुल फॉर्म ऑब्वियसली बात है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, 8 का डी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, बिल्कुल जैसे नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहेंगे, सॉरी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनालिटी कहते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटा को रिक्वेस्ट करें, यानी कि डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कौन सा कमांड होता है, ऑब्वियसली आपके पास सेलेक्ट कमांड होता है, और इसीलिए सेलेक्ट कमांड किसके अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन, सॉरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। सो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल आईडी, abc@yahoo.com, ये पहली बार में ये सही हो गया, ये सब फिर गलत ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। आइए 12 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आप जब कोई डेटा अपलोड करते हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट उसको जो है वो मतलब डिफाइन कर रहा है, सॉर्टिंग डेटा ऑन अ डिस्क ड्राइव, बिल्कुल गलत, सॉर्टिंग नहीं, स्टोरिंग कह सकते थे, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ होस्ट कंप्यूटर, बिल्कुल यहाँ पे देखिए यही ऑप्शन आप कह सकते हैं, दो चीजें होती है, एक होती है क्लाइंट और एक होता है होस्ट, होस्ट को बेसिकली हम सर्वर कहते हैं ना, तो होस्ट पे यानी कि हम सर्वर पे क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं, जैसे ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, यानी यूट्यूब एक होस्ट है, यानी कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा, यानी यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सो 12th का आंसर बी इज वॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है TCP/IP, ठीक है, TCP/IP इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल। 14th क्वेश्चन चलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउज यू टू लीगली कॉपी एंड गिव देम अवे नो कॉस्ट, यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो कि बिना किसी पैसे के, मतलब पैसे की जरूरत ही नहीं है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, वैसा जो है अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो कौन से टाइप का, मतलब बनाना नहीं हो, अगर ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप आराम से जो है मतलब आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप किसी को कॉपी करके दे सकते हो कि तुम भी यूज करो फ्री, मतलब फ्री इन ऑल रेस्पेक्ट, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पब्लिक डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेक्शन B1, अब ये देखिए ये सेक्शन B1 जो है, अभी हमने 15 क्वेश्चन कर लिया, जो सेक्शन ए था जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए था, यानी CS के स्टूडेंट्स के लिए था और IP के लिए भी करना था, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंडेटरी थे, ये भी आप याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन CS वालों के लिए और IP वालों के लिए मैंडेटरी थे, सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन हैं जिसमें से 25 ही आपको करने हैं, 10 ऑप्शनल है, पता चले बच्चे 35 के 35 करके आ जाए, ऐसा मत कीजिएगा, 25 क्वेश्चन ही करने हैं, तो जिसको आपको बेस्ट आपको पता होगा आंसर एकदम कंफर्म पता होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, याद रखिएगा। चलिए 16th क्वेश्चन कहते हैं, विच एक्सेप्शन रेज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एट्रीब्यूट रेफरेंस और असाइनमेंट, यानी कि जब आप कुछ एट्रीब्यूट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी किसी वेरिएबल से रिलेटेड काम कर रहे हैं और असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप किस तरह का एरर वो रेज करता है, तो दैट इज व्हाट एट्रीब्यूट एरर, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी एक्सेप्शन कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, कितने एक्सेप्ट कंडीशन हो सकते हैं, तो मोर देन जीरो, कम से कम एक होना चाहिए, ट्राई के लिए कम से कम एक जरूर होना चाहिए, अगर यहाँ मोर देन एक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दो,
नहीं मिनिमम एक भी हो सकता है, इसलिए मोर देन जीरो विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। कैन वन ब्लॉक एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस? जी बिल्कुल, एक ब्लॉक ट्राई का जो होता है वो मल्टीपल एक्सेप्ट हैंडल कर सकता है। कैसे? तो इस तरीके से, यस लाइक एक्सेप्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे आप जितने भी जाए टाइप एरर कॉमा सिंटैक्स एरर ऐसे ऐसे करके आप जितने एरर देना चाहते हैं वैसे एरर दे सकते हैं। तो 18th क्वेश्चन का बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे बी आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रखा है देखिए, और वहां पे एक्सेप्ट में ब्रैकेट नहीं लगता है, एक्सेप्ट बस एकदम एरर एरर कॉमा देके देते चले जाते हैं। तो ए विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ब्रैकेट की वजह से बी विल नॉट बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद ब्रैकेट हम नहीं लगाते हैं। ओके, 19th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा से आप आंसर गलत करके आ सकते हैं। द फॉलोइंग पाइथन कोड विल रिजल्ट इन एन एरर इफ द इनपुट वैल्यू इज एंटर्ड एज -5। ठीक है, और स्टेटमेंट का पता ही नहीं है, कहाँ है स्टेटमेंट भाई? 19th क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहाँ है? तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 20th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक्स को 10 देते हैं, चलिए जी दे दिया। वाई को 8 देते हैं, चलिए जी दे दिया। असर्ट, यानी कि एक तरह से कंडीशन चेक करना होता है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है क्या। एक्स 10 वाई से बड़ा है क्या? जी बिल्कुल बड़ा है। एक्स टू स्मॉल, यानी एक्स क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अब ये आउटपुट क्या करता है, ये क्या करेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि असर्ट स्टेटमेंट क्या करता है। राइट, तो देखिए असर्ट बेसिकली क्या होता है, ये एरर मतलब डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने कोड में अगर एरर्स को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप असर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब ये जो कंडीशन दिया गया है असर्ट के साथ, जो आप कंडीशन देंगे अगर वो ट्रू होगा फिर कुछ नहीं होता है। अगर वो ट्रू होता है कंडीशन तो फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो जो आपने यहाँ पे दिया है प्रिंट करने के लिए, मतलब जो भी मैसेज दिया है वो मैसेज स्क्रीन पे क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। यानी कि असर्ट के साथ जो कंडीशन अगर वो ट्रू है तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता है, अगर फॉल्स है तो ये वाला आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये तो ट्रू निकल गया ना, तो ट्रू है तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, यानी कि नो आउटपुट, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्यू इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलोइंग डैश स्ट्रेटजी। यानी क्यू जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो पहले ही पता चल गया, क्यू जो है हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। 22nd क्वेश्चन, व्हाइल इंप्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिस्ट व्हेन वी वांट टू डिलीट एलिमेंट्स वी मस्ट यूज पॉप फंक्शन एज। यानी स्टैक को जब आप यूज करते हैं और उस समय अगर आप पॉप फंक्शन को यूज करना चाहते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए, तो अगर देखिए अगर आप स्टैक की बात करिए तो स्टैक ऐसा होता है ना, 5 है, 10 है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर बढ़ते चला जाएगा, 15 है, 20 है ना, एक एक करके ऐसे एलिमेंट आते हैं। तो 0, 1, 2, सबसे लास्ट में एलिमेंट जो है वो क्या है, ये है, ठीक है, 15 है। तो अगर आप पॉप स्टेटमेंट को यूज, मान लीजिए इसका नाम लिस्ट है, क्योंकि सब में देखिए सब में यहाँ दिया लिस्ट डॉट, यानी कि जो है वो लिस्ट है, तो आपको यहाँ पॉप फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पॉप फंक्शन सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को ही डिलीट करता है। तो आप सिर्फ लिस्ट डॉट पॉप ही कर देंगे तो ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, 15 डिलीट हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, सी, राइट, क्योंकि हमें स्टैक में क्या करना होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में 15 आया था, नहीं यही पहले जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल आप पॉप का भी यूज कीजिएगा फंक्शन का तो भी वो डेटा को डिलीट कर देगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 6, 3, 2, 4 प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। देखिए अगर इस तरीके से आप देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू होगी तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसमें 6 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है। उसका सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला प्लस आता है, तो लास्ट के दो के साथ प्लस की एक्टिविटी परफॉर्म कर दीजिए, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 और 2 प्लस, देखिए बीच में आएगा प्लस, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा, तो इन दोनों के बीच में आप माइनस डालेंगे, याद रखिएगा लास्ट के हमेशा जो भी एक्टिविटी होगी वो लास्ट के दो के साथ होगी, तो 6 और ये 3 माइनस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों यानी 6 और -3 दो वैल्यूज हो गई, एक वैल्यू हो गई 6 और एक वैल्यू हो गई -3, इन दोनों के बीच में रखिएगा मल्टीप्लाई को, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना हो जाएगा, -18। सो डी विल द राइट आंसर, बहुत आसान है, तीनों सब वैल्यू लिख दिया, जो भी अब ऑपरेटर्स आएगा वो लास्ट के साथ इंप्लीमेंट हम करते चले जाएंगे, 2 + 4 = 6 हो गया, माइनस आया 3 - 6 - 3 हो गया, मल्टीप्लाई आया 6 × -3 - 18 विल द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू इज नोन एज,
यानी कि अगर आप एलिमेंट को क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है इंसर्शन इन क्यू, ऑब्वियस बात है हमेशा एलिमेंट जो एंट्री होगी वो लास्ट में एंट्री होगी, तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू इज कॉल्ड एन क्यू, डिलीशन इज कॉल्ड डी क्यू। स्टैक में इंसर्शन पुश और स्टैक में डिलीशन पॉप कहलाता है। 25th क्वेश्चन, रिटर्न्स द एलिमेंट एट फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, यानी इनमें से कौन सा जो है वो क्या करेगा, एलिमेंट रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग इट। देखिए एन क्यू तो होगा नहीं क्योंकि एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए होता है, डी क्यू आपको एलिमेंट रिटर्न करता है लेकिन डिलीट भी कर देता है, तो यह कह रहा है विदाउट रिटर्निंग इट, नन ऑफ दिस। अब देखो ये एक फंक्शन है, ये इंट फ्रंट एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, बहुत बच्चे ये टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि इंट फ्रंट फंक्शन में आप क्या रिटर्न करोगे। जरूरी है फ्रंट फंक्शन का, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं वो आप अपने तरीके से लिख रहे हो, आप फ्रंट में क्या लिखोगे कौन जानता है, ठीक है, तो नाम से कि फ्रंट जो है वो पहला वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, दिस विल नॉट बी द आंसर, ठीक है, आंसर विल बी नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जो क्या करे फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करे। अगर आप बनाते हो तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आप ये मानते हो तो मान सकते हो, बट क्या जरूरी है कि जो है फ्रंट निकालने के लिए मैं फ्रंट फंक्शन को ही यूज करूं, नहीं बिल्कुल नहीं। 26, द एवरेज केस अकर्स इन द लीनियर सर्च, एवरेज केस तब होता है जब पहले और लास्ट पोजिशन पर नहीं मिले, बीच में कहीं भी मिले। व्हेन द एलिमेंट आइटम इज फाउंड एंड व्हेन द आइटम इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द एरे, ठीक है, When the item is not array, ये worst case हो जाएगा। When the item is the last, ये भी worst case हो जाएगा। Item is last element in the array or not there at all, ये भी worst case, ये हो जाएगा आपका, yes। When the item is somewhere in the middle of the array, कहीं भी बीच में हो तो। Binary search algorithm cannot be applied to any, binary search algorithm किस पे apply नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी सर्च जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी पता है, दो तरह के सर्च होते हैं, एक लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च के लिए एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट, देखिए लिंक लिस्ट जो होता है वो सिंगल लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आप बैक नहीं आ सकते हैं, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ आप फ्रंट जा सकते हैं, बैक नहीं आ सकते हैं, तो जब बैक आ ही नहीं सकते हैं तो आप कैसे बाइनरी सर्च का ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज, यानी कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम जो होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होती है वो होती है ओ एन। क्यों क्यों ओ एन होती है, क्योंकि एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिएगा आपका जो लीनियर सर्च होता है वो एक एक करके सारे एलिमेंट पे सर्च करने के लिए जाता है, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक एक एक एलिमेंट सर्च करता है, और जब उसको मिलता है तब बोलता है भैया मिल गया, लेकिन अगर नहीं मिले तो पूरा एलिमेंट सर्च करेगा, तो दैट इज कॉल्ड वॉट, कॉम्प्लेक्सिटी एन, यानी पूरे पूरे एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, चेक करेगा। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल शॉर्टिंग, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल शॉर्टिंग है, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहरी शॉर्टिंग है। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट, तो द राइट आंसर इज मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज एन एक्सटर्नल शॉर्टिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, वेरी स्लो वे ऑफ शॉर्टिंग इज, तो इंसर्शन, हीप, बबल और सिलेक्शन। देखिए इन सब में जो है सबसे जो स्लो होगा वो इंसर्शन सॉर्ट होगा। आप बेसिकली इसके लिए तो आपको हर हर शॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको याद कर लेने होते हैं। सर्च शॉर्ट जो होगा वो सबसे स्लो टाइप का शॉर्टिंग होगा, ठीक है। 31, सॉर्टिंग अ फाइल एफ यूजुअली रेफर्स टू सॉर्टिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर की कॉल्ड इंडेक्स की। कभी भी शॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, इंडेक्स वाइज करते हैं, याद रखिएगा डेटा की शॉर्टिंग हमेशा क्या होती है, इंडेक्स वाइज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सेंसस रिपोर्ट यूज एज सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि सेंसस रिपोर्ट यानी जनसंख्या का जो हम गिनती का वो डेटा जो हम यूज करते हैं वो किस तरह का होता था, दैट इज एज वॉट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज फिक्स्ड, यानी कि जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, एक बार जो आपने वैल्यू दे दी वो कभी भी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चनर सर्वे मेथड इज यूज टू कलेक्ट वॉट, किस तरह का डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चनर मतलब क्या होता है, कि क्वेश्चनर एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको किसी कंपनी में आपने आपने आप जब जाते हो तो बहुत सारे फॉर्म वो पूछता है आपसे, ठीक है, योर नेम, योर फादर्स नेम, व्हाटएवर व्हाटएवर आप सब कुछ लिखता है, वो फॉर्म आप भरते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर फॉर्म। अभी तक आप सिर्फ उसको जानते थे कि वो फॉर्म है, बट उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चनर फॉर्म होता है। और जो क्वेश्चनर फॉर्म होता है उसका जो जो डेटा हम उससे कलेक्ट करते हैं
वो डेटा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी डेटा, राइट। प्राइमरी डेटा कभी भी हम किसी फॉर्म के जरिए नहीं कलेक्ट करते हैं, वी यूजुअली प्राइमरी डेटा को हम सॉफ्टवेयर के जरिए या फिर प्राइमरी डेटा को हम पर्सनल लेवल पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 35th क्वेश्चन, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट इनेबल्स अस टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं, की नहीं, लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं, प्रोग्राम्स, ठीक है। 36, which of the following refers collection of the information stored in database as a specific time, ठीक है, collection of the information stored in a database at a specific time, देखिए जब भी specific time आ जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं instance of a database। instance क्या होता है, database का instance मतलब कि किसी particular time में उस database में कौन कौन सा data, क्या क्या data मौजूद था। For what purpose DML is provided? Addition of a new structure? नहीं, manipulation? Yes, manipulation के लिए ही तो DML होता है, data manipulation language, अगर full form याद है तो भी आप ये question बना सकते थे। 38th question, which one of the following is commonly used to define overall design of database? Overall design of the database is what? Schema. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Schema. Schema is what used to design the database. Next. The intersection operator is used to get the dash tuples. Intersection जो normal mathematics में होता है वो क्या करते हैं, common tuples को हमें return करते हैं जो दोनों में होंगे, that is common, ठीक है। Dash, the next question, the union operation automatically dash unlike the select clause, ठीक है। तो union क्या करता है, eliminates unique tuples, eliminates duplicate, add common tuples और add tuples। देखिए तो union operator जो होता है वो क्या करता है, अगर यहाँ 2, 3, 4 है और यहाँ क्या है 2, 5 और 6 है, ठीक है, तो क्या करेगा, इनमें से जो common होगा उसको एक बार लेगा, यही होगा ना, तो 2 हो जाएगा आंसर, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब इसने क्या किया, जो duplicate था उसको एक बार लिया, तो eliminates duplicate, D will be the right answer, यानी कि duplicate को eliminate कर देता है। 41. If we want to retain all duplicate, we must write dash in place of union. Union all करेंगे. यानी कि देखिए, normally जब आप union लिखिएगा तो वो duplicate element को हटा देगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारा duplicate भी value आए, तो आपको जो clause use करना होता है, वो use करना होता है union all clause को. 42. To combine multiple retrievals, we write several select statement and put keyword between them. What is the keyword? अब देखिए. जब हमें मल्टीपल लिखने होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं और उसमें जो है हमें सबको आपस में जोड़ना होता है, तो ये कोई कीवर्ड नहीं होता है, कॉन्कैट एक फंक्शन होता है। यूनियन तो मतलब कि कॉमन वैल्यूज को निकालता है और एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट को, तो बचता क्या है, जॉइन। जॉइन ही तो होता है जो मल्टीपल टेबल से डेटा निकालता है ना। 43 क्वेश्चन, व्हाट इज एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, सेलेक्ट एक्स वाई जेड फ्रॉम टेबल 1, यूनियन एक्स वाई जेड फ्रॉम टेबल 2, यानी एक्स वाई जेड क्या होगा, एक कॉल्यूम का नाम होगा, दिस विल बी व्हाट, कॉल्यूम नेम, क्योंकि सेलेक्ट के साथ हमेशा कॉल्यूम नेम आता है, याद रखिएगा। 44th क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू यूनियन, सॉरी विच कीवर्ड यूज विथ यूनियन डज नॉट रिटेन डुप्लीकेट रोज, यानी कि कौन सा क्लॉज आप यूनियन के साथ जो यूज करते हैं वो रिटेन नहीं करता है, रिटेन नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यू को, तो ऑल तो कर लेगा, यूनियन ऑल की जगह तो कर लेगा, नैरो कुछ होता नहीं है, स्ट्रिक्ट कुछ होता नहीं है, बसता कौन है, डिस्टिंक्ट। सो 44 का क्या होगा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस की हर वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच की होनी चाहिए और इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं और 3 डॉट्स होते हैं, तो 4 ऑक्टेट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्टेट है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए शुरू में ही मैंने बताया था 0 से 255 होता है, 300 हो गया, ये होगा ही नहीं, ये वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, ये होएगा ही नहीं, यस ये बचता है लास्ट, डी इज द राइट आंसर। तो दो चीजें देखनी होती हैं जब भी हम IPv4 को देखते हैं, पहली चीज क्या देखनी होती है कि रेंज उसका 0 से लेकर 255 तक हो सकता है और 4 ऑक्टेट्स होते हैं, देखो 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट और 3 डॉट्स होते हैं, 1, 2, 3, ये याद रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस कैन बी यूज्ड एज लूप बैक एड्रेस। देखिए लूप बैक एड्रेस के बारे में ज्यादा मत जानिए, पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से क्योंकि काफी कुछ समझाना पड़ेगा। लूप बैक एड्रेस फिलहाल इसका जो राइट आंसर, द राइट आंसर फॉर दिस 46th क्वेश्चन इज
कभी भी लूप बैक एड्रेस जो होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, राइट, द सेम फॉर्मेट 127.0.0.1, यहाँ स्लैश 8 भी हो सकता है, यानी 1 से लेके 8 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है. सो बी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन बेसिकली याद कर लीजिए क्योंकि फिर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग में आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 47th, वैन वाइड एरिया नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम फॉर 802.3 ethernet. अ थिन कोएक्सियल, अ ट्विस्टेड पेयर केबल, अ माइक्रोवेव केबल, अ फाइबर ऑप्टिक्स केबल. कभी भी जो है वो मीडियम इथरनेट केबल के लिए कभी भी आप देखिए कोएक्सियल को यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव को यूज कर सकते हैं, फाइबर को, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल को कभी आप यूज नहीं कर सकते हैं मतलब कि इथरनेट केबल के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, वॉट आई पी एड्रेस क्लास एलोकेट्स 8 बिट फॉर द होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट. देखिए अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गए. जो आपके बेसिकली आईपी का क्लास जो होता है, आईपी क्लास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह के क्लासेस होते हैं, और जब ये 8 बिट की बात आती है, इन दैट केस जब 8 बिट की बात आती है तो 8 बिट कौन से क्लास में होता है, तो वो होता है क्या, क्लास सी. यानी कि क्लास सी जो होता है वो 8 बिट के एड्रेसेस को प्रोवाइड करता है. अब क्लास, अब देखिए आपके लिए होमवर्क, क्लास ए क्लास बी इन दोनों का, क्लास ए का क्लास बी का, आई थिंक क्लास डी कुछ होता नहीं है बट चेक कर लीजिएगा, अगर डी होगा तो इन तीनों का आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ता है ना, लास्ट कौन आता है, मेरी इतनी मेहनत है आप कितनी मेहनत करते हो, उससे पता चल जाएगी ये सब कितने बिट्स के एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं. तो आप लिखिएगा ए डैश क्लास ए डैश जो भी आंसर होगा, कॉमा क्लास बी डैश जो भी आंसर होगा, क्लास डी डैश जो भी आंसर होगा, और मुझे बताइएगा, ठीक है. ये मैं देखूंगा कि किन किन का रिप्लाई आता है इस क्वेश्चन पर. नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, द टर्म आई ए एन ए स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. यस यही है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी. बस B1 हमें नहीं करना है क्योंकि B1 किसके लिए होता है, आईपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट. हमारा सेक्शन खत्म हो गया. तो इस पूरे 35 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ करने थे 25, तो जो बेस्ट नोन हो आपको वही कीजिएगा, तुक्का नहीं लगाइएगा क्योंकि 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, राइट. तो ये था हमारा सैंपल पेपर 4 CUET CS का. तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स.